हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू प्रॉप बाइंडर्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक ऑफिस स्पेस मैं आपको दिखाने वाला हूं जो कि फुल्ली फर्निश्ड है। चलिए आज मैं आपको पूरा टूर कराता हूं ऑफिस। सो 14 सीटर का ये कॉन्फ्रेंस रूम है। आप देखिए, 14 सीटर का कॉन्फ्रेंस रूम है, ऑलरेडी बनाया हुआ है। ऑफिस यहाँ पे चल रही है, लाइव है, लाइव ऑफिस के बीच में हम शूट कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ये सर्वर एरिया है, इधर पीछे पूरा आप अपने ऑफिस का सर्वर सेट कर सकते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ वर्क स्टेशंस, जहाँ हमारे पूरे एम्प्लॉयज बैठ के अपना काम कर सकते हैं। लगभग 40-50 सीटर का वर्क स्टेशंस है यहाँ पे, वेल मेंटेन। ये स्टोरेज स्पेस हो गया, यहाँ फाइल स्टोर कर सकते हैं। एक वॉशरूम आपको यहाँ मिलता है और ये एकदम ठीक बढ़िया। ये आपका बॉस केबिन है, बॉस केबिन काफी बिग साइज है। सीलिंग हाइट आप देख लीजिए, फ्लोर टू सीलिंग हाइट, और सामने का व्यू देख लीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं उत्सव चौक का व्यू आता है, रेलवे स्टेशन एंड मेट्रो स्टेशन सब नियर बाय है इस ऑफिस से। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत ऑफिस है। हम लोग लगभग 12 फ्लोर के हाइट पे हैं। इधर से दोस्तों आप एग्जिट कर सकते हैं और एक वॉशरूम आपको यहां मिल जाता है। सो दोस्तों आप देखिए, जब हम रिसेप्शन से एंट्री करते हैं तो मैंने आपको उधर से एंट्री कराया था, एक एंट्री एग्जिट इधर से भी है। सामने दो केबिन्स है, मीटिंग रूम्स है जो मैं आपको दिखाऊंगा, 5 सीटर 1 सीटर है, और उसके आगे पैंट्री है। सबसे पहले हम देखते हैं ये वर्क स्टेशन, आपने देखा एक और वर्क स्टेशन है यहाँ पे, जो आपको बैक ऑफिस का वर्क स्टेशन आप बता सकते हो। यहाँ पे पूरे ड्रॉअर्स फिटिंग्स सब कुछ है और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में ये ऑफिस को बनाया गया है। को मैं दिखाता हूँ सेकेंड बॉस केबिन। ये आपका सेकेंड बॉस का केबिन हो गया, ये भी वैसा ही स्पेशियस केबिन है विथ योर ड्रॉअर स्पेस। एंड अगेन द सेम हिल का व्यू आता है जो बारिश में काफी खूबसूरत हो सकता है। ये उत्सव चौक है और स्टेशन यहाँ से काफी पास में ही है। सो स्टेशन पास होने का ये है, मेट्रो स्टेशन या रेलवे स्टेशन अगर दोस्तों पास होता है तो आपके एम्प्लॉयज इजीली वर्क के लिए आ सकते हैं, होम टू वर्क बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। अब आइए दोस्तों आपको मीटिंग रूम दिखाते हैं। ये एक मीटिंग रूम है जो 5 सीटर या 4 सीटर आप बोल सकते हो, राउंड टेबल मीटिंग रूम। एंड द सेकेंड मीटिंग रूम 8 सीटर आपको ये मिल जाता है। सो वहां आपको मैंने कॉन्फ्रेंस रूम दिखाया था जो 14 सीटर का था, ये आपका मीटिंग रूम 8 सीटर का है। सो दोस्तों ऑफिस में मीटिंग रूम हो गया, कॉन्फ्रेंस रूम हो गया, बॉस केबिन हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया जी, लंच के टाइम में आपको पैंट्री का स्पेस चाहिए होता है। आइए आपको पैंट्री स्पेस दिखाता हूं। सो दिस इज स्पेशियस पैंट्री, इधर आपका वॉश बेसिन हो जाएगा, ड्रॉअर हो जाएगा, टी कॉफी स्टोव आप सब कुछ कर सकते हो। लोग आके आराम से अपना हैप्पी लंच टाइम निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो आपके एम्प्लॉयज को कंफर्ट देने के लिए हर तरह का फैसिलिटी अवेलेबल है इस बिल्डिंग में। इस ऑफिस स्पेस में आप देखोगे कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में ये ऑफिस स्पेस को बनाया गया है। ये आउटडोर एसी डक, आपकी वायरिंग, आउटडोर एसी यूनिट सब यहां पे आपको मिल जाएंगे। और कुछ स्टोरेज अगर करना है ऑफिस का
जैसे लैडर हो गया, ऑफिस के प्लम्बिंग हो गए, तो ये सब यहाँ पे आप कर सकते हो स्टोरेज। तो एक वॉशरूम यहाँ भी है जो पैंट्री से अटैच है। एंड दोस्तों वी आर बैक टू द लॉबी एरिया। ये एरिया लगभग 2700 का कारपेट एरिया है, 5500 स्क्वायर फीट का आपका बिल्टअप एरिया आप समझ लो, और इसका जो प्राइसिंग है लगभग 7 करोड़ का आस्किंग प्राइस है जो कि नेगोशिएबल है। तो 7 करोड़ अगर आप दे रहे हो दोस्तों तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हो। और खारगर के स्टेशन और मेट्रो स्टेशन के पास एक अपना बहुत ही प्यारा सा ऑफिस बना सकते हो। थैंक यू दोस्तों।